आप कैसे नेता हैं हिंदुओं के, अपने से हिंदुओं के इतने बड़े महान पर्व को विध्वंस करना चाहती थी। उनके साथ इस षड्यंत्र में शामिल थी इस जिला की उपायुक्त महोदया, और इस चीज को प्रमाणित कर दिया शाम को डीसी ने, तो उन्होंने सांसद महोदय को बुलाया। बात समझ में आई कि जनप्रतिनिधि को बुलाया है बात करने के लिए, लेकिन राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 विधायक यहाँ हैं इस जिला में, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? और उसमें से मजे की बात है कि एक तो मंत्री है, आपने उसको भी आमंत्रित नहीं किया। चूंकि ये भाजपा की एजेंटी कर रही है बैठ करके, प्रमाणित करता है कि आप उनसे मिली हुई थी, क्योंकि आपने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया। आप भाजपा के साथ मिल करके वो षड्यंत्र कर रही हैं सरकार के खिलाफ। उपायुक्त हैं, इस तरीके से मनमानी करेंगी बिना किसी से बात किए हुए, कि अगर ये निर्णय शाम को पहले ले लिया होता भाजपा के दलालों ने, इस डीसी ने, तो कल जिन सैकड़ों बच्चों पर केस हुआ जुगसलाई में, ये केस से वंचित हो जाते हो बच्चे। हम लोग ऐसे डीसी को नहीं देखना चाहते। इस डीसी को यहाँ से जाना होगा जो सरकार विरोधी डीसी है। जिस तरीके से कल जमशेदपुर के कुछ झंडों को एक तरह से गुंडई करके रोका गया, हर अखाड़ा कमेटी के लोग 12, 15, 20 को छोड़ करके अपने स्वेच्छा से विसर्जन करना चाहते थे, विसर्जन को निकले भी, लेकिन उनको कुछ लोगों ने रोका, डिस्टर्ब किया, परेशान किया, और पूरे हिंदू जाति को कलंकित किया। हमें याद है कि 79 में यहाँ दंगा हुआ था, और उस दंगा के बीच में जब प्रशासन चाहती थी कि झंडा को रोक दिया जाए, तो सारे अखाड़ा के लोग भिड़ गए थे कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने का अनुमति हम किसी स्थिति में नहीं देंगे, हमारा झंडा, हमारा ध्वजा ठंडा होना चाहिए। और प्रशासन के संरक्षण में, देखरेख में ध्वजा ठंडा हुआ। तो असल धर्म तो ये है कि भैया हमारा जो नित्य पूजा पाठ का क्रम है उसको किसी तरीके से बाधित नहीं किया जाए। अगर आप बाधित करोगे तो हम लड़ेंगे। आपको एक जीवंत उदाहरण देता हूँ कि अभी अमृतपाल सिंह एक बहुत चर्चित व्यक्ति है जो अपने आप को सिखों का धर्मगुरु बताता है पंजाब में। उसको जब थाने में बैठाया गया तो उसने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को यहीं ले आओ, हम यहीं बैठ के पाठ करेंगे। अभी हाल की घटना है, आप लोगों ने प्रमुखता से दिखाया है इसको। और उसके बाद पूरा सिख कम्युनिटी रोड पर उतरा कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, इस लड़ाई में आपने धर्म को कैसे बीच में लाया, और आपने ये बात कैसे कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहब को थाने पर लेकर के आओ, हम सारे लोग आपका बायकॉट करते हैं। तो आप कैसे नेता हैं हिंदुओं के, कैसी पार्टी है जो एक राजनीतिक दल अपने से हिंदुओं के इतने बड़े महान पर्व को विध्वंस करना चाहती थी? और इस विध्वंस में हम लोग का मानना है कि उनके साथ इस षड्यंत्र में शामिल थी इस जिला की उपायुक्त महोदया, जिनके देखरेख में, जिनके संरक्षण में, जिनके जानकारी में, जिनके संज्ञान में ये सारी घटनाएं घटी। वो कहती हैं कि हमसे कोई बात नहीं हुआ, हमसे किसी ने बात नहीं किया। कमाल की बात है। आप एक तरफ कहती हैं कि शांति समिति की बैठकों में हमने निर्णय लिया कि ये नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि हमको जानकारी नहीं है। कहाँ गए आपके शांति समिति के लोग? क्यों जानकारी नहीं दिया जब ये घटना 11 बजे से ही जानकारी मिलने लगी कि ये सारा घटनाक्रम जो है होने जा रहा है और इस तरीके की बातें हो रही हैं, जब सारे लोग, हमारे जैसे लोग घूम घूम करके और पूरे संगठन के लोग अखाड़ों में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भैया, धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ध्वजा को मत रोकिए, धर्म के साथ खिलवाड़ होगा, आपको खबर नहीं है? और इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया शाम को डीसी ने, जब सरकार के दबाव में उनको बैठकें आयोजित करनी पड़ी, तो उन्होंने सांसद महोदय को बुलाया। बात समझ में आई कि जनप्रतिनिधि को बुलाया है बात करने के लिए, लेकिन जब सांसद को बुलाया तो अकेले सांसद यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वो यहाँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 विधायक यहाँ हैं इस जिला में, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? उन 6 विधायकों में से हो सकता है आप कह सकती थी कि 4 दूर के थे, लेकिन 2 तो इस शहर के थे, चाहे वो किसी दल के हों, किसी संगठन के हों, आपने उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया? और उसमें से मजे की बात है कि एक तो मंत्री है, आपने उसको भी आमंत्रित नहीं किया, उसको भी नहीं बुलाया। फिर उस बैठक में सांसद महोदय का वीडियो रिलीज होता है आप लोगों के माध्यम से, कि सांसद महोदय कहते हैं कि यहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, हिंदू परिषद के लोग हैं, अखाड़ा समिति के लोग हैं, RSS के लोग हैं। अरे भैया, आपने इनको कैसे बैठक में आमंत्रित किया? कैसे, किस हैसियत से? आप अखाड़े वालों को बुलाए, हमको समझ में आया।
लेकिन यदि उसमें राजनीतिक दल के लोगों को आपने आमंत्रित किया तो ये प्रमाणित करता है कि आप उनसे मिली हुई थी, क्योंकि आपने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया। आपको सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था और सारे दलों के साथ सहमति बनानी चाहिए थी। जो दल अब अगला कदम क्या होगा आप लोग? सर, हम लोग ऐसे डीसी को नहीं देखना चाहते जो डीसी सरकार के छवि को एक बार नहीं बार बार खराब कर रही है, और आज भी वो समझ रही है कि यहाँ सत्ता में रहते हुए भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। आप देखेंगे कि पत्ता मार्केट में इसी तरीके से उसने गरीबों को जो माने नीचे ज़मीन पर बोरा बिछा करके बैठते हैं, 7.5 घंटे बैठे रही वहाँ पर उनको उन गरीबों का दमन करने के लिए। अभी आप देखिए मानगो में किस तरीके से सब्जी दुकानदारों को तोड़ा गया। भैया क्यों तोड़ा गया? आपने किससे अप्रूवल लिया? आप उपायुक्त हैं, इस तरीके से मनमानी करेंगे बिना किसी से बात किए हुए? और सरकार के साख को गिराने का लगातार आपके द्वारा प्रयास हो रहा है, तो सरकार के साख को बचाने के लिए कांग्रेस आपके विरुद्ध जन आंदोलन तक चलाने को तैयार है। हम लोग जन आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चूंकि ये भाजपा की एजेंटी कर रही हैं बैठ करके, उपायुक्त की ड्यूटी नहीं कर रही हैं। आप भाजपा के साथ मिल करके वो षड्यंत्र कर रही हैं सरकार के खिलाफ, हिंदू जाति के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ। भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं का ही दमन कर रही है। अगर ये दमन नहीं है तो और क्या हो सकता है? आप बताइए कि रामनवमी का विसर्जन जुलूस आपने रोक दिया। अगर आप इतने नेता महान थे, छठ के समय में सरकार की अधिघोषणा आई थी कि छठ नदियों में नहीं होने देंगे। आप लोग याद, आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के कि आनंद बिहारी दुबे खड़ा हुआ और बोला कि सरकार में दम होगा तो गोली मारे। हुआ तो कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस सड़क पर थी और कांग्रेस लोगों को सेवा दे रही थी, लोगों को घर घर से आग्रह करके, जो लोग रोड पर थे धर्मावलंबी उनको चाय नाश्ता पिलाने का काम कांग्रेस कर रही थी। भाजपा के लोग उन सेवा शिविरों को तोड़ने का काम कर रहे थे जो आप लोगों ने दिखाया है। मगर भाजपा का तो आरोप है सरकार के निशानदेही पर पूरा काम हो रहा है। सर, सरकार के निशानदेही पर काम हो रहा है और बैठक भाजपा के साथ हो रही है, आश्चर्य की बात है। काम सरकार के निशानदेही पर हो रहा है और बैठक भाजपा के साथ हो रहा है कि भाजपा के सांसद, भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, भाजपा के अनुसंगी संगठनों के सारे नेतृत्व करता और आपके साथ बैठ करके डीसी गुप्तगू करती हैं। आप जो है रात को 9 बजे घोषणा करते हैं कि सब अखाड़ा निकालो। इंद्रदेव ने इनके मुंह पर तमाचा मारा है, भगवान को भी ये बात मंजूर नहीं हुआ और भगवान ने इनके मुंह पर तमाचा मारा कि तुम राजनीति किसी के अख्तियार की चीज, प्रकृति राजनीति के अख्तियार की चीज़ नहीं है। आप बार बार धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे। भगवान ने कल अपनी नाराजगी रात को जाहिर की है। सर, इस डीसी को यहाँ से जाना होगा जो सरकार विरोधी डीसी है। अगर इनकी बात हम लोग पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से करेंगे, 3 तारीख को इसकी बात हम लोग मुख्यमंत्री जी से करेंगे, उससे पहले जेएमएम से भी बात करेंगे कि आपको भी नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, इसका जवाब तो चाहिए। क्यों बार बार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिससे सरकार का साग गिरा? आप समझिए कि अगर ये निर्णय शाम को पहले ले लिया होता इन भाजपा के दलालों ने और इस डीसी ने, तो कल जिन सैकड़ों बच्चों पर केस हुआ जुगसलाई में, ये केस से वंचित हो जाते हो। बच्चों पर केस नहीं होता, वो सेंटिमेंट में, भावना में आकर के उन बच्चों पर ने गलत कदम उठाया। हम लोग उस कदम की निंदा करते हैं कि वो कदम गलत था, लेकिन बावजूद इसके कि वो तैस उनको दिलाया किसने? इन्हीं भाजपा के लोगों ने। एक तरफ आप खुद झंडा रोकते हैं और दूसरे तरफ बच्चों को उकसाते हैं धर्म के नाम पर और बच्चों से गलत करवाते हैं, और उन बच्चों पर केस हुआ। आज आपने उनके तरफ पूछा भी नहीं, सुध भी नहीं लिया कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जो पढ़ने लिखने वाले सैकड़ों बच्चे हैं जिन पर नेम्ड केस हुआ, उनकी भविष्य खराब होगी और इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? अभी क्या लगता है इतने बड़े जो हुई है सर? सर, ये पूरी तरह से इन दोनों के मिली भगत से हुआ है। भाजपा के इशारे पर भाजपा के लोगों ने पूरे सेंटीमेंट, हिंदू के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किया है, पूरे हिंदू धर्म के साथ मजाक किया है। इस पूरे मजाक की निंदा करते हैं और इसमें जो उनके षड्यंत्र की भागीदार थी डीसी, उस डीसी की भी हम लोग निंदा करते हैं और उस पर हम लोग बात करेंगे 3 तारीख को सीएम साहब को। अगर इसको हटाइए और नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग, हमारा संगठन जन आंदोलन छिड़ेगा जमशेदपुर।